महाराष्ट्र का यवतमाल जिला, जहां के पांडरकवड़ा पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में सिंचाई कुएं के निर्माण कार्यों को लेकर मंजूरी मिलती है, जिसके बाद वो शख्स खेतों में सिंचाई कुएं के निर्माण कार्य की शुरुआत करता है। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात सरकारी अनुदान मिलने के लिए वो शख्स यवतमाल जिले के पांडरकवड़ा पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर यानी कि गट विकास अधिकारी के पास जाता है। बनाए गए सिंचाई कुएं के बिल को पास करने की मांग को लेकर वो शख्स गट विकास अधिकारी से मांग करता है, किंतु बिल पास करने की एवज में वो गट विकास अधिकारी, जिसका नाम विट्ठल जाधव बताया जा रहा है, वो विट्ठल जाधव 23,500 रुपये की रिश्वत के लिए मांग करता है और 22,000 रुपये की रिश्वत लेते धरा जाता है। यह कार्रवाई गुरुवार 10 अगस्त को अमरावती एसीबी की टीम ने करने की जानकारी सामने आ रही है। आम्ही पांडरकवडा इथे येऊन पडताळणी केली। महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर झालेला असून त्या विहिरीच्या बांधकामाचे बिल मंजूर करण्याकरिता बीडीओ पांडरकवडा यांनी लाचेची मागणी केली। पडताळणीमध्ये त्यांनी केलेल्या लाचेची मागणी पडताळणी केल्यानंतर आम्ही सापळा कारवाई केली, त्यामध्ये त्यांना 22,000 रुपये लाचेची मागणी त्यांनी स्वीकारली आणि आम्ही त्यांना रंगे हात अटक केलेली आहे। सरकारी काम करने के लिए बैठे अधिकारी ने इस तरह रिश्वत की मांग करने से आहत हुए सिंचाई कुएं निर्माण करने वाले शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की रणनीति बनाई। जांच पड़ताल होती है और 22,000 रुपये की रिश्वत लेते पांडरकवड़ा पंचायत समिति के रिश्वतखोर गट विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर विट्ठल जाधव को रंगे हाथ गिरफ्तार करती है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई को DYSP शिवलाल भगत की अगुवाई में पुलिस इंस्पेक्टर शिरपा भरडे और उनकी टीम ने अंजाम दिया है। टीम VL 24 न्यूज़।